हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में, नए दिन के साथ नई शुरुआत। तो गाइज, आज बहुत दिनों के बाद, कम से कम 15-20 दिनों के बाद मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि घर पे थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी। प्रॉब्लम्स क्या मतलब, चाची की तबीयत खराब थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, और वो गाँव से आए हुए हैं। तो कम से कम 15-20 दिन हो गए, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। तो अब 5-6 दिन, वो 4-5 दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे, तो मैंने कहा यार ब्लॉग तो बनते रहेंगे, पहले सबसे पहले फैमिली जरूरी है। तो मैंने कोई ब्लॉग वीडियो कुछ नहीं बनाया, बस जो मेरे पास पुराने पड़े थे वो कीर्तन वगैरह के, वो मैं डाल रही थी। तो आज अब थोड़ा चाची की तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है, मतलब ठीक है अब। तो अब वो खाना वाना भी खा रहे हैं और अब चल फिर भी रहे अच्छे से। तो मैंने कहा चलो आज ब्लॉग शुरू कर देते हैं। और आज छुट्टी है, आज छुट्टी सुबह से, अब मुझे टाइम लग रहा है कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दूं। मैंने सौरे को बोला था छोटी मोटी वीडियोस सुबह की ले लेना, तो उसने ले रखी है छोटी छोटी वीडियोस, तो उनको मैं लगा दूंगी, उनको आप देख लेना, फिर आगे वीडियो में बने रहना। अभी दिन के 1-1.5 बजने वाला है, तो अभी मैंने उड़द की दाल उबाल रखी है और चावल रखे हैं चूल्हे में, तो दाल चावल बनाते हैं। और पहले मैं सुबह की वीडियो देख लीजिए, फिर आगे बने रहेंगे। सो गाइस, पापा बना रहे हैं आज चटनी, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्ची, भांग, जीरा और धनिया, और वो भी क्या बोलते हैं उसको, पुदीना, तो मिला के सब। मैं तो मिक्सी में बनाती हूँ, पापा सिलवट्टे में बनाते हैं। सिलवट्टे की चटनी अच्छी होती है, क्योंकि मेरे पास इतना सुबह सुबह ना टाइम थोड़ा सा कम ही होता है, क्योंकि सुबह बहुत काम होता है। तो पापा ने बोला मैं बना देता हूँ। और पापा की हाथ की चटनी हम सबको पसंद भी है, क्योंकि वो एकदम बारीक पीस के बनाते हैं। तो मैं तो मिक्सी में बना देती हूँ फटाफट, जल्दी के चक्कर में। पर पापा ने बोला मैं बना देता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो पापा बना रहे हैं चटनी, मैं इधर पोछा लगा रही थी, मैंने कहा फटाफट काम हो जाएगा। मम्मी नीचे का झाड़ू लगा रही थी, काम ख़त्म हो जाता है फिर सब सुबह सुबह ना, जल्दी हो जाता है फिर। नहीं तो अगर पोछा बाद में लगाऊँ फिर होता नहीं है। तो ये दो कटोरियों में इसलिए रखा है कि एक में मिर्ची नहीं डाली है इस वाली में, चाची और सौरे के लिए, और एक में मिर्ची तेज है। और ये आज हम बना रहे हैं मंडवे की, आटे की रोटी। मंडवे का आटा मतलब जिन लोगों को नहीं पता होगा, रागी का आटा भी बोलते हैं इसको। तो हमारे पहाड़ियों में तो बहुत पसंद किया जाता है इसकी रोटी को, चटनी रोटी और घी। मतलब हम लोगों के लिए तो त्यौहार है एक तरीके से, जिस दिन चटनी और रोटी घी हो। तो हफ्ते में एक दिन तो हम बना ही देते हैं, जैसे कभी कहीं से आ जाता है, हमारे पड़ोस में भी आंटी लोग, वो भी दे देते हैं। और जब कभी गांव जाते तो हम भी ले आते हैं गांव से। तो इसकी रोटी खाने में बहुत टेस्टी होती है, घी के साथ चटनी मिला के तो बहुत टेस्टी होती है। और इसको ना ये आटा बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, चिपकता नहीं है एकदम से, जल्दी जल्दी बन जाता है उसका। अब मेरे को तो गेहूं के आटे से अच्छा ये, मैं बोलती हूँ ये आटा रोज़ यही हो बनाने के लिए, तो ये आटा जल्दी से लग भी जाता है तो फटाफट से। क्योंकि इसको ना वैसे जैसे गेहूं का आटा, उसको थोड़ी देर पहले हम बना के ना भिगोने डाल देते हैं, लेकिन इसके आटे को ना इंस्टेंट उसी टाइम करो, उस टाइम बनाओ तो तब ज़्यादा अच्छा होता है ये फ्रेश ना। तो मैं पोछा ओछा लगा के आ गई थी, मैंने कहा नहाऊंगी बाद में, क्योंकि फिर नहीं तो गर्मी हो जाती है। तो मम्मी तो नहीं खाती इसका, क्योंकि गर्म होता है ना ये। तो मम्मी और चाची के लिए गेहूं का आटा बना रखा मैंने, और अपने लिए और सबके लिए ये वाला। तो बस आटा हो गया और फटाफट से अब रोटी बनाते हैं। तो पहले शौर्य के लिए बना देती हूँ, क्योंकि शौर्य को तो जिस दिन, मतलब भले ही शौर्य यहीं पे पला बड़ा हो, लेकिन उसको मतलब ये जैसे गांव के लोगों को तो पसंद होता है ना ये, लेकिन उसको इतना पसंद है, जिस दिन चटनी रोटी बन जाती है ना तो वो एकदम से खुश हो जाता है कि आज चटनी रोटी बन गई। तो इस पे इस आटे पे ना इसकी रोटी बनाते टाइम आटा भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो नहीं तो ज़्यादा आटा लगाओगे ना तो वो एकदम सफ़ेद सी अच्छी नहीं लगती। तो आटा बिल्कुल बेलते टाइम बिल्कुल नाम मात्र आटा लगाना पड़ता है, ताकि रोटी ख़राब ना हो। तो मैंने कहा पहले उसके लिए बना देते हैं, फिर मैं तो उसके बाद, मैंने कहा तब उसके बाद गेहूं का बनाऊंगी, क्योंकि वो जब तक खाएगा तब तक के लिए, तब तक मैं चाची के लिए बना दूंगी। तो पहले मैंने उसके लिए, क्योंकि वो कब से लगा था कि बन गया, तो पहले मैंने कहा फटाफट एक बना के उसको दे देती हूँ।
और घी तो गाइस गांव से तो अभी गांव जाना नहीं हुआ तो घी गांव का है नहीं, तो इसलिए दुकान का ही है। लेकिन ये घी बहुत अच्छा है, खाने में बिल्कुल गांव के घी की तरह लगता है, तो यहीं से लाना पड़ता है। वो क्या करे, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वही वाली बात है। तो लेकिन अच्छा है ये वाला घी भी ना, गोवर्धन नाम, हाँ गोवर्धन घी है, अच्छा है। तो ये इस वाली चटनी में थोड़ा मिर्च कम डाल रखे हैं क्योंकि चाची को भी नहीं खानी है मिर्च, उनको भी कम मिर्ची का खाना है, तो इसमें कम नमक मिर्ची है। और ये है, अभी नीचे मम्मी पूजा कर रही थी, मैंने कहा चलो मम्मी अभी पूजा कर रही है, कान्हा जी को नहला रही है, तो मैं वीडियो बना देती हूँ। तो गाइज़ ये कान्हा जी वैसे मतलब हमारे नहीं, फ़िलहाल हमारे घर पर आ रखे हैं क्योंकि ये हमारे पड़ोस में हैं, तो उनके घर में छोटी सी बाबू हुई है, तो जब उन्होंने कहा जब तक हम शुद्ध होते हैं तो तब तक इसको आप अपने घर पे रखना इनको, तो हमने कहा ठीक है, हमें क्या दिक्कत हो सकती है, तो हमें भी अच्छा लगता है। और अब हम ये सोच रहे जब ये जाएंगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा क्योंकि इनके साथ जैसे छोटे बच्चे के साथ हो जाता है ना कनेक्शन, वैसा सा हो जाता है कि सुबह उठाओ, चाय पिलाओ, फिर नहलाओ धुलाओ, डेली का यही रूटीन है। फिर नाश्ता, नाश्ते में हम इनको फ्रूट दही ऐसे दे देते हैं, रोटी नहीं देते सुबह सुबह, तो फलाहार जैसे फलाहार हो जाता है ना। और इनको दही पसंद है, दिन को अगर खाना बनाना है तो इनको खाना पहले इनको ही देना है, फिर खुद खाओ, फिर रात का भी खाना पहले इनको दो फिर खुद खाओ, तो ऐसा ना इनके साथ एक रूटीन सा हो गया, जैसे छोटे बच्चे के साथ होता है ना घर में कि पहले खाना बनता है तो छोटे बच्चे को दे दो, तो वही इनके साथ। तो अब जब जाएंगे तो हमें बहुत, हमें भी गंदा सा लगेगा क्योंकि अब आदत सी होगी इनकी, तो ऐसे ही हो जाता है कनेक्शन सा ना जैसे घर में एक बच्चे के साथ होता है। तो मम्मी उनको नहला रही है, मम्मी ही नहलाते हैं डेली उनको, नहला धुला के तैयार करके फिर इनकी पूजा करेंगे। ऐसा बहुत इतने क्यूट से है ना देखने में, सच में ऐसा लगता है जैसे छोटा बच्चा हो, छोटे बच्चे के, छोटे बच्चे के लाड़ लगाते हैं ना हम, वैसे इनके भी करते हैं। मैं तो बीच बीच में जाके भी इनसे बात करती हूँ, शौर्य को भी बोलती हूँ शौर्य जाके बीच बीच में बात किया कर, कानू कानू नाम बोलते हैं। तो बहुत से लोग अपने घर में बिठाते हैं बाल गोपाल को, लेकिन वही है कि इनके साथ में आपको प्रॉपर तरीके से इनका एक रूटीन बनाना पड़ेगा, वही लोग अपने घर में बिठा सकते हैं। और इनको बिल्कुल प्याज लहसुन ऐसे जो खाना किचन में बने प्याज लहसुन वाला खाना भी नहीं देना होता है, तो कभी अगर हम प्याज लहसुन डालते भी हैं तो हम इनको दही चावल, घी चावल ऐसे दे देते हैं, दूध चावल दे देते हैं। जिस दिन हम प्याज लहसुन डाल देते हैं तो इनको नहीं देते फिर वैसी, तो कभी दूध के साथ, कभी दही के साथ, और कभी फ्रूट खिला देते हैं। सुबह तो ज़्यादातर फ्रूट और दही खिलाते हैं क्योंकि कान्हा जी को तो दही उनका फेवरेट है ना, तो दही मक्खन यही दे देते हैं। और ये पानी हमेशा उनके सामने भर के रखते, जो भी आता है कभी भी कोई भी आ जाता है तो उनको पानी ज़रूर पिला देते हैं बीच बीच में, जैसे बच्चे बच्चे के साथ होते हैं ना कि उसको बीच में पानी देना है ऐसे, इसी तरीके से। तो अभी इधर उनके लिए अलग सा ही कर रखा है इधर को उनका आसन, इस साइड को उधर। अब मैं सीधे डायरेक्ट दिन के, मैंने कहा दिन को मैंने उड़द की दाल बनाई थी, तो मैंने दाल तो उबाल के रख दी थी, सुबह ही मैंने उबाल दी थी, मैंने जिस टाइम बर्तनों किचन उचन साफ़ करी थी तो एक साइड मैंने दाल भी उबाल दी थी। मैंने कहा फिर नहीं तो नहाते धोते बहुत टाइम लग जाता है ना, तो उस टाइम साथ साथ में कर दो तो फिर ये होता है दाल उबली रहती है ना, तो फटाफट तड़क तरफ तड़का मारो, चावल रखो। और बस तो चावल भी बन गए और ये दाल मैंने उबाल के रखी थी, तो उड़द की दाल है इसमें। प्याज तो मैं, प्याज तो नहीं डालती उड़द की दाल में, तो लहसुन और प्याज और अदरक चाची की वजह से अदरक नहीं डाला क्योंकि उनको गरम नहीं देना ना वैसे ज़्यादा मसाले वाला, तो मैंने लहसुन और टमाटर ही डाला। मैंने कहा वो बोल भी रहे थे उड़द की दाल नहीं बनाई कब से, क्योंकि ज़्यादातर हम अरहर की दाल ही बनाते हैं, अरहर मूंग ना, तो वो भी कह रहे थे उड़द की दाल बना देते, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। और अदरक उदरक नहीं डाला, गरम मसाला हम अपने लिए तो डालते हैं अदरक गरम मसाला ना उड़द की दाल में, लेकिन अब उनके लिए नहीं डालना था तो मैंने कहा चलो कोई नहीं किसी के लिए भी नहीं डालती हूँ छोड़ो, क्योंकि कल भी हमने कढ़ी खाई थी तो डेली डेली गरम गरम गरम, और वो सुबह भी हमने मंडवे का आटे की रोटी बनाई थी तो वो भी गरम ही होती है, तो इसलिए मैंने कहा गरम मसाले को अवॉइड करते हैं। तो फटाफट से हो जाएगी क्योंकि टाइम भी हो गया, तो मैंने कहा चलो फटाफट करते हैं। उड़द की दाल बनाने में इतना वो भी नहीं होता जैसे नॉर्मल और दाल बनाने में होता है ना कि
अच्छे से प्याज व्याज ये वो। उड़द की दाल में प्याज डालना कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत लोग डालते हैं लेकिन मैं तो नहीं डालती, मेरे को इतना मीठा प्याज ना मीठा कर देता है दाल को, तो मैं प्याज नहीं डालती इसमें। मैं तो वैसे नॉर्मली प्याज सिर्फ ये राजमा वगैरह में ही डालती हूँ, जैसे अरहर की दाल होती है उसमें भी बहुत कम डालती हूँ, मतलब लहसुन ही डालती हूँ तड़के में बस। ये दाल बन के होगी ये तैयार, और अभी शाम का टाइम हो रहा है, 6 बज गए, अभी चाय पी रहे सबके सब। तो इसके साथ हम अपना ब्लॉग एंड करेंगे। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का।